भाई आगे देखो क्या सीन है यार, बिल्कुल ये रोड जो है ना कर्व हो गया है, बिल्कुल कर्व मुड़ गया सी एकदम देखो। सो फ्रेंड्स अब हम लोग पहुंचने वाले हैं गया का स्वर्ग जिसे हम लोग सीता कुंड कहते हैं। दोस्तों अभी हम हैं गया से नवादा जाने वाले रोड में, मानपुर से थोड़ा सा आगे, मानपुर से आप थोड़ा आगे बढ़ोगे मेहता पेट्रोल पंप से आगे तो यहाँ पे एक सिटी पब्लिक स्कूल है, मेरे जस्ट सामने ये सिटी पब्लिक स्कूल है। सो वहाँ पे भी हम पहुँचे हुए हैं। सो अगर आपको गया से नवादा जाना होता है तो इस रूट का यूज़ करते हो, लेकिन अगर आप बाईपास तरफ से आ रहे हो, इट मीन आप डोबी की तरफ से आ रहे हो, तो आपको पहले जो है मार्केट से होकर आना पड़ता था, मानपुर मार्केट से होकर आना पड़ता था। और होता क्या था कि मुफस्सिल मोड़ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता था पहले, और ट्रैफिक में लोग फंस जाते थे तो उनको मतलब एक घंटे का सफ़र उनको दो घंटा ढाई घंटा में करना पड़ता था, मतलब ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला था। सो उससे बचने के लिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल हुई है। उसमें हुआ क्या ना कि मानपुर का जो बाईपास वाला पुल है, घुघड़ी ताप वाला पुल, वहाँ से एक रास्ता कट गया, और इस साइड में अगर मैं बात करूँ तो मेहता पेट्रोल पंप के आगे से एक रास्ता कट गया है। आप ये देख सकते हो ये गया और गया से नवादा जाने वाला रोड है, और आप पीछे ये देख सकते हो ये सिटी पब्लिक स्कूल है, जो बड़ा सा बिल्डिंग देख रहे हो सिटी पब्लिक स्कूल है, और यहाँ से ये वो रास्ता कट गया। मतलब अगर आपको यहाँ से अब धोबी जाना है, आपको सिरघाटी की तरफ जाना है, आपको मिलिट्री कैंप की तरफ जाना है, आपको बोधगया की तरफ जाना है, तो भाई आप मुफस्सिल मोड़ के जाम में क्यों फंसोगे? सो मुफस्सिल मोड़ के जाम में अगर नहीं फंसोगे तो फिर जाना किधर है? सो वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो ओके दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मोहित और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोहित प्रभाकर ब्लॉग्स में। और आज यहाँ से अभी हम लोग चलने वाले हैं सीता कुंड की तरफ में। सो जो रास्ता कटा ना वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। सो ये देखो फ्रेंड्स, ये है सिटी पब्लिक स्कूल, और ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना ये गया से आ रहा है, और इधर ये नवादा की तरफ जा रहा है। मतलब हम लोग अभी नवादा की तरफ से आ रहे हैं, और मानपुर मुफस्सिल मोड़ की तरफ नहीं जाकर हम लोग इस रास्ते में कट जाएंगे। एक और रास्ता यहाँ से आपको दिख रहा है तो यहाँ कट जाएंगे। सो चलते हैं आगे और देखते हैं ये रूट कैसा है, इसका अपडेट, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने वाले। श्री राम। सो हमारा जर्नी हो गया स्टार्ट, और यहाँ से जैसे ही स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ओवरब्रिज पुलिया टाइप बन रहा है, सो वहाँ पे भी काम लगा हुआ है। और इधर देखिए ये लिखा भी है यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस NH-82 गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के अंदर में आता है ये। भाई पुल नहीं बनने के कारण ये डस्ट का सामना करना पड़ेगा, बहुत दूर है, कोई बात नहीं, इधर मत जाओ भाई। ये देखो फ्रेंड्स, ये है डस्ट का जलवा, भाई कुछ नहीं दिख रहा है आगे। सो यहाँ से ये रोड जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है, और उधर कट जाता है आपका, वही मैंने जैसा कि बताया। सो यहाँ से देखता हूँ अपडेट क्या है इस रोड का, कहाँ तक काम जो है वो हो चला है, कहाँ तक काम ये बाकी है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में सब कुछ की जानकारी मिलने वाली है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ट्रैफिक का मसला जो है ना वो दूर कर दिया है। अक्सर लोग जो है नवादा से जाते थे पहले बोधगया की तरफ, तो जाम में ट्रैफिक में फंस जाते थे मुफस्सिल मोड़ पे। ये देखो यहाँ पे एक रिजॉर्ट, हाँ इधर रोड ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल कंप्लीट है, बना हुआ है, काफ़ी फाइन रोड है यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह का अपडेट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, लेकिन उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो। और आप सभी को छठ पूजा के, चैत्र छठ पूजा का नहाए खाए का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे यहाँ छठ पूजा का प्रथम दिन, जिसे हम लोग नहाए खाए कहते हैं। वैसे मैं एक बात बता दूँ दोस्तों आप लोग को कि इस रूट पर जैसे ही आप लोग कटते हो ना, तो ये आगे जाकर गया भूसंडा वाला रोड में कनेक्ट करता है ग्रीनफील्ड स्कूल के पास में, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, यही ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल है गया भूसंडा वाले रोड में, मोड़ पे ही है ये स्कूल, और शायद इसका ही कैंपस ये बड़ा हो रहा है। और अभी हम लोग गया से भूसंडा जाने वाले रोड वाले मोड़ पे पहुंचने वाले हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे वो मोड़, और यहाँ पे भी देखो ये सब, ये रोड बन जाने से आसपास में ये जो ज़मीन का कीमत भी, हाँ, और साथ में यहाँ पे बहुत सारे दुकान भी खुल गया है, मतलब मार्केट बढ़ जाता है कहीं ना कहीं। देखो ये जो आप देख रहे हो ना टर्निंग, ये जो चार मुहानी आप देख रहे हो, ये इधर गया हो गया, सामने अभी हम लोग चलने वाले हैं, इधर से अभी हमने आया है, और इधर हो गया भूसंडा, ये आप सामने देख सकते हो यहाँ पे ग्रीनफील्ड पब्लिक इंग्लिश स्कूल।
सो ये था यहाँ पर का। और ये देखो ये मकान वगैरह जो पहले से बना हुआ था उन सबको तोड़ दिया गया। अब हम लोग चलने वाले हैं सीताकुंड की तरफ में, मतलब सीताकुंड के पास में निकल जाएंगे बाईपास वाली पुल के जस्ट पहले। और रोड एक बिल्कुल फाइन बना हुआ है फ्रेंड्स, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत, जैसे ये जो पीछे अभी हम लोग चारमुहानी क्रॉस किए वहाँ पे एक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। और गया पटना का भी अपडेट आप लोग को मिल रहा ही है, सो वो पूरा आपको मैं पटना तक का अपडेट दूंगा। फिलहाल ये एक रोड बचा था तो मैंने सोचा कि इसका भी अपडेट आप लोग को पहुँचा दूँ। भाई आगे देखो क्या सीन है यार, बिल्कुल ये रोड जो है ना कर्व हो गया है, बिल्कुल कर्व मुड़ गया सी एकदम। देखो आप वहाँ पे बहुत सारा गाड़ी देख रहे हो गए आते हुए, ये देखो ये भाई देखो ये पता नहीं क्या लगा हुआ है। अच्छा ये रात में क्योंकि कर्व मुड़ा है ना तो कुछ सिग्नल देना जरूरी है, शायद उसके लिए ये ऐसा दिया जाता है। ये देखो फ्रेंड्स मैं इसकी बात कर रहा था, और ये यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है ना क्योंकि आप रोड देख रहे हो आगे से ना, ये कर्व हो गया है, वहाँ से आते आते इधर जो है रोड कर्व हो गया, और इसलिए ये शायद लगाया हुआ है ताकि रात में प्रॉब्लम ना हो गाड़ी वालों को। होता क्या ना मतलब सीधा सीधा वो पता चला इधर कूद गए। सो फ्रेंड्स अब हम लोग पहुँचने वाले हैं गया का स्वर्ग जिसे हम लोग सीताकुंड कहते हैं, जस्ट उसके थोड़ा पीछे हैं हम लोग। तो ये पूरा अपडेट दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ना आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना, क्योंकि भाई मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। बिना ट्रैफिक में फंसे हम सीधे घुघड़ी टार वाले पुल के पास में निकल गए। हालांकि कुछ लोग सीताकुंड के पास में ये रास्ता बनते हुए देख रहे हैं तो उन लोगों को लग रहा है कि ये रोड बोधगया की तरफ जाएगा, भाई ऐसा नहीं है, ये मेहता पेट्रोल पम्प के पास निकल जाता है गया नवादा वाले रोड में। और कहीं ना कहीं मुझे भी पहले ये लगता था, मुझे भी ऐसा लगता था कि ये रोड जो कट रहा है ये कहीं ना कहीं बाईपास सॉरी बोधगया की तरफ जाता होगा, बट ऐसा है नहीं। ये आप सामने देख सकते हो सीताकुंड। और कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था, ये चीज़ें आप लोग देखे होंगे, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पूरे रास्ता का मैं आपको अपडेट दूंगा। सो आज फाइनली वो दिन आ गया। ये देखो अभी थोड़ा बहुत जहाँ पे काम बचा हुआ है ना वहाँ पे ये पिचिंग किया जा रहा है इस तरीके से। और ये देखो ये आगे से ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ से जो इधर जा रहा है ये चला जाता है इस रोड में इस मुफस्सिल मोड़ की तरफ मानपुर बाजार की तरफ सामने। और सामने हाँ चढ़ा दो पुल पे इधर, हाँ सामने गियर कम करके चढ़ा लो। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे हम लोग को आना था, यानी कि हम लोग कहाँ से शुरू किए थे सिटी पब्लिक स्कूल। और आप हमारे पीछे देख सकते हो ये सीताकुंड, आपको ये पहाड़ी दिख सकती है और इसके जस्ट यहाँ से एक रास्ता कट जाता है सीताकुंड की तरफ, और ये रास्ता चला जाता है मानपुर बाजार में, जहाँ पे अब आपको नहीं जाना है, आपको सीधे यहाँ से ढल जाना है इस वाले रोड में और आप लोग पहुँच जाओगे गया नवादा वाले रोड में। ओके दोस्त, इस तरह का अपडेट और भी देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहो, और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही।